बारे रखती है। मतलब मैंने अपनी स्टोरी, अपनी जो चीजें, जो अत्याचार हुआ, आप सबके पास पहले से भी मैंने कई तरीके से कई मतलब एक लिखित रूप में दिया और आप सबको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर भी एक मौका मिला है तो मैं अपने से ही ये चीज़ आप सबके सामने बताना चाहूँगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। कुछ चीज़ों को तो आप लोग से मुझे सवाल करनी है, पूछना है कि क्यों ऐसा हुआ। तो जो अरेस्ट हुआ, अरेस्ट जैसे मतलब मैं अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली आई हुई थी, लिंगाराम पड़ोसी को पकड़ के जब पुलिस वाले ने अंदर किया तो मुझे लगा कि अपनी जमानत के लिए मुझे वहाँ जाना चाहिए। मैं दिल्ली आई, दिल्ली से मुझे अरेस्ट करके फिर वो मतलब वापस छत्तीसगढ़ गए। सबसे बड़ा दुख इस बात की मुझे आज भी लगती है कि मैंने संकेत कोर्ट में जो दिल्ली न्यायालय है वहाँ जज के सामने कई बार गिड़गिड़ाया, रोया। पिछला जो मेरे साथ घटना घट चुका है, जब लिंगाराम पड़ोसी को 2009 में अरेस्ट करके अमरीश मिश्रा ने जो दंडित किया था, उस बात को मैंने दोहराने की कोशिश किया कि मेरे साथ इससे पहले इस तरह का अत्याचार हो चुका है तो मुझे ना भेजा जाए छत्तीसगढ़, कि मैं वापस नहीं जाना चाहती। मुझे अगर ऐसा कोई अपराध है या फिर कोई शंका लगता है या फिर जब तक ये मामला चल रहा है चार जेल में रखा जाए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत कुछ मैंने कहा, फिर भी दुख इस बात की है उसमें जज ने सुन तो लिया पर उन्होंने फिर कोशिश भी किया, पर और भी कुछ केसेस छत्तीसगढ़ से आई आज के बाद मुझे अरेस्ट करके ले गए। ले जाने पर जज उस वक्त एक बात कहा था कि नहीं, अब आप हमारी सुरक्षा से जा रहे हो तो आपके ऊपर एक आज भी नहीं आया। तो मेरा काम, मेरा एक मानना है कि न्यायालय के ऊपर विश्वास होनी चाहिए, जो विश्वास मैंने जगा के छत्तीसगढ़ वापस चले गए। छत्तीसगढ़ जाने के बाद जब थाने में मतलब दंतेवाड़ा थाने में ले गए और वहाँ की कोर्ट में भी केस किया, 3 दिन के रिमांड में वाशनी मैडम ने मुझे मतलब उनके रिमांड में दिया। उस दौरान मेरे साथ मतलब इन लोग पूछताछ के लिए अपने दंतेवाड़ा थाने में रखे। जो मेरे साथ हुआ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रात में घटना जो घटी है, अंकित कर एसपी ने मेरे साथ बहुत गलत किया। उन्होंने रात को आके, आधी रात आके मेरे साथ मेरे को उठा के ले जाके अपना मतलब रूम में ले जाए, दूसरे रूम में ले जाके वहाँ बहुत ज़्यादा करंट शॉट दिया। करंट शॉट दे देकर मुझे कई तरह से परेशान किया, कई चीज़ें को लिख के भी देने को कहा, जिसमें अरुणवती का राम था, नंदिनी सुंदर थी, हिमांशु सर, शामिया जीवेसी, मेगा पाटकर, प्रशांत भूषण, पौन सर, मतलब इस तरह के लोगों के नाम लिख के एक कहने को मुझे मजबूर कर रहे थे कि नहीं तुम इसमें लिख के दो कि ये सब नक्सली हैं और शहरी नेटवर्क के तौर से काम करते हैं, इनके लिए मैं यहाँ से हर खबर भेजती हूँ, इस तरह से हमारा नेटवर्क जुड़ा है, ये सब में तुम बयान दो, ये दो। मैं किसी भी चीज़ को नहीं मानू, इनकार करी कि ये सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, ये सब से मेरा कोई मतलब भी नहीं है। फिर भी उन्होंने नहीं समझा, करण शरण दे दे कि मुझे ऐसी स्थिति तब हो गया कि मुझे निवस्त्र करा। निवस्त्र कराने के बाद उन्होंने ये बात मुझसे और बाहर कहती थी है कि निवस्त्र करके पूरी नंगा करके खड़े रख के उन्होंने ये की बात बोलते थे कि तुम इस शरीर का शोषण करती हो, नक्सली लीडरों के साथ मिलके तुम अपने शरीर बेचती हो, दिल्ली में जाके भी अपने शरीर बेचती हो, तुम एक मामूली आदिवासी औरत, एक गोंडिन हो और तुम्हें गुड़िया, एक आम औरत, तेरे क्या औकात है, तेरे को इन लोग क्यों साथ देते हैं, क्या करते हैं। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि इतिहास के हर मतलब इतिहास भी गवाह है कि औरतों के लिए कितनी बड़ी मतलब योगदान रहा है हर लड़ाई में, हर संकटों में। फिर आज वो औरत को ये क्यों कहा जाता है कि वो अपने शरीर का शोषण करती है, शरीर बेचती है, क्या शरीर बेचते ऐसा एक मतलब पुरुष अपनी शरणांकित कर गए कह के मुझे प्रताड़ित करता है। अब जैसे आज मैंने कई बार मतलब कई सवाल मेरे मन में आता है, क्या झांसी की रानी भी जब अपनी लड़ाई लड़ी तो क्या उन्होंने क्या अपने शरीर बेचा अंग्रेजों से, या फिर कोई इंदिरा गांधी जो यहाँ इतनी बड़ी प्रधानमंत्री वो भी क्या अपने शरीर बेची थी। एक अफिसर, एक पुलिस मतलब राज्य के अफिसर ये करके एक औरत का अपमानित करता है। अगर मैं नक्सली एरिया में अगर रह के एक शिक्षिका अच्छी शिक्षा देने की कोशिश किया तो क्या मैं अपने शरीर बेच के उनके बीच में नहीं। तो इस तरह से मुझे हर तरह से वो कर दिया, फिर भी मैंने नहीं माना। उसके बाद इन्होंने सामने रख के पूरे अपनी पुलिस जो महिला पुलिस थी उनको बोला तुम जाओ, महिला पुलिस को बोल दिया अगर तुम इस बात को किसी को कोई बताते हो तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। महिला पुलिस को निकाल दिया। उस रूम में एक अशोमा सिसोदिया था, अंकित गणेश भी नहीं, एक बात बोल के फिर मिर्ची पाउडर लाए उसको डालने की कोशिश किया गया, उसके अलावा भी मतलब मेरे साथ गलत करने की भी कोशिश किया। ये हर चीज को अंकित करने अपने लास्ट तो सबसे ज्यादा लगा कि जब बाहर गया, बाहर जाने के बाद आदेश देके फिर आता, हाथ ये बोलता अब ये मादर छोड़ के उसमें डालो, फिर मैं इतना मेरे आकाश कर दी मार फिर सब करके।
वो जैसा जैसा खरवा कर गया लोग उनके जो पुलिस कर्मचारी करते गए, उस समय मैं कितना तड़पी, कितना मैं भी मांगी, कितनी मैंने गिड़गिड़ाया। मैं ये पूछती हूँ क्या इस तरह से करने से क्या नक्सली समस्या खत्म हो जाए? एक अफिसर अपने सामने रख के अगर मेरी शरीर में इस तरह के पत्रे डालेगा, इस तरह से मुझे नंगल करेगा, इस तरह से करंट शॉर्ट देगा, इस समस्या का समाधान है नक्सलियों से लड़ने का? एक औरत को नंगा करने से नक्सली खत्म हो गए? ये सब मेरे साथ क्यों किया? अगर ऐसा कौन सा कानून है, कहां ऐसा कौन से कानून में लिखा है कि एक औरत को नंगे करके इस तरह की लड़ाई लड़ाए? आज वही अंकित गढ़ एसपी को छत्तीसगढ़ की तरफ से मतलब एक राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है, तो मेरी इसमें क्या है? मतलब मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया? किस वजह से ऐसा हुआ मेरे साथ? और वह उसको क्या ही नंगा, एक औरत को नंगा ही करके उसके शरीर में मतलब गिट्टी पत्थर डालने का पुरस्कार दिया जाए? अरे पूरा देश जानता है, सब लोग जानते हैं, आज उसको इतनी बड़ी सम्मान है और मेरे को क्या मिला? मेरे को 2.5 साल जेल में, जेल जाने के बाद आज मेरी एक ऐसी हालत हुई, मेरी माँ गुजर गई, आज इस स्थिति में मेरे बच्चे भी कर गए और आज मेरे सब आत्मसम्मान छीना गया। क्यों ऐसा हुआ, किस वजह से, ऐसा कौन से कानून? और मुझे 2 साल से अरेस्ट बना के पुलिस हर बार वारंट लेके मुझे कहती थी, देख तेरा वारंट है, तेरा वारंट है, तेरा अरेस्ट कर। हम बोलते थे कर लीजिए सर, जब ऐसा आपको लगता है कर लीजिए, तो बोलते थे नहीं नहीं हम बाद में करेंगे। तो ऐसा कौन सा बता रहा है कि मतलब 2 साल वारंट बना के रख दो और उसको सिर्फ डराते रहो और अरेस्ट ना करो? और अरेस्ट किया भी तो क्या, एक एसआर में इतना सारा साजिश मामला करके वो हमको फंसा दिया, जेल भेज दिया। आज वही बीके लाला वर्मा, वो पैसे वाले, इसीलिए उनको 3 महीने के अंदर निकाल दिया जाता है। और छोटी छोटी आदिवासी महिला है, और दूसरी बात एक औरत होने के नाते उसके पूरी तरह ऐसे करके जेल में डाल दिया जाता है। ये कैसा न्याय है, कैसे हो? आज सुप्रीम कोर्ट के न्याय से मैं खुश तो हूँ, मतलब इतना है कि मेरे को एक चीज की खुशी हुई कि उन्होंने अगर सही समय पर मेरी एक इलाज करवाने का आदेश दिया कलकत्ता भेज के, ये सबसे बड़ी बात को सुप्रीम कोर्ट पर मैं इस चीज का धन्यवाद जरूर दूंगी, क्योंकि उन्होंने जो जज ने निर्णय किया वो चाहे किसी भी स्तर से किया, पर उन्होंने मेरा कलकत्ता इलाज करवा के आज जीवन दान दिया, उसी की बदौलत है आज आप सबके बीच में बैठी हूँ। तो यहाँ आप लोगों के बीच में रह के, आप लोगों के बीच में मैं अपनी बातें को रख पा रही हूँ। ऐसी कई महिलाएं हैं जहां मैंने जब जेल जाने के बाद हमने देखा कि वहां पर मैं अकेला ही, सोचती थी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब वहां मैं जेल गई, जेल में जाने के बाद कई महिला अपनी कहानी बताने लगी, कई महिलाओं को महीना भर रख के प्रताड़ित किया गया, बलात्कार हुआ, कई लोगों को आज भी लड़कियां हैं जिस लड़की पे गोली लगी हुई है, उसके हाथ में गोली लगा है, वो जब जेल में लाए हैं तो 14-15 साल की होगी, आज वो 5 साल से पड़ी है वो लड़की। इस तरह मेरे सामने बहुत है हमारे आदिवासी महिलाओं पर किसी की निप्पल तक काट दिया गया, किसी करंट शॉर्ट दे कि उसके साथ इतना गंदा उसके चेस्ट को किया गया, ये सब मैंने देखा है। और मैं तो सरकार से ये बोलती हूँ और आप सबसे भी ये बोलती हूँ, आप लोग से मेरी एक मदद है, बस मैं वापस छत्तीसगढ़ जाना चाहती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ जाके उन महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ जो उन महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हुआ है और यहाँ जो वहाँ हो रहा है छत्तीसगढ़। मैं कोई सरकार के खिलाफ या सरकार उससे मेरा वो नहीं है, मेरा वहाँ की व्यवस्था के खिलाफ हूँ। क्यों ऐसी व्यवस्था क्यों बनाया वहाँ, और वो महिलाएं की आजादी कब मिली, उन्होंने क्या किया था? तो मैं वापस जाके वहाँ, तो मेरी एक सच की लड़ाई है और इस सच की लड़ाई में मैं सब आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वहाँ जाने से मेरी बहुत खतरा है, मेरी जान में भी बहुत आफत आएगी और मुझे मार भी दिया जाए। आप सबसे पूरे देश से मेरी एक अपील है कि मेरी सच्चाई की लड़ाई में बस मैं जो चाहती हूँ मुझे जिंदा रहने दो, जिंदा से मैं कुछ नहीं चाहिए। आज उसने जो वहाँ की व्यवस्था उसके खिलाफ लड़ती हूँ वो सच से लड़ूंगी, मैं कोई झूठा या कोई फर्जी इस टाइप की बातें से करके मैं कभी नहीं, जो सामने सच है वो है। और जेल में जाने के बाद तो कभी कभी मुझे लगा शायद किसी ना किसी रूप में जेल बाकी चीज देखने के, जेल इतनी त्रस्त जिंदगी है, कितना वहाँ के लोग इतने परेशान है, महिला इतने लोग है, वहाँ लड़के लोग कई संख्याओं में पड़े हैं, और इस तरह से करें नक्सली कैसे खत्म हो जाएगा, नक्सली समस्या को बोल रहे हैं। तो एक ट्रेनिंग देने के बराबर हुआ, जिस व्यक्ति ने कोई गलती किया नहीं उसको 7-8 साल से रख रहे हो, कीड़े का खाना खिला रहे हो, उसको कोई स्वास्थ्य का इलाज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो एक तरफ से तो ये इस तरह का मतलब बनने के लिए सरकार प्रेरित कर रहा है ना, तो उसमें से कहां से नक्सलाइट की ये चीजें खत्म हो जाए? नक्सलाइट के पास तो लोग खुद चले जाएंगे इस स्थिति में। आज हमारा हिस्टोरी दीजिए, आज हम शिक्षित नहीं होते, इतना कुछ हमारे साथ हुआ, अंत में अगर हम दिल्ली तक नहीं पहुंचते, या हमारे साथ सबसे बड़ा बात तो हिमांशु सर, हिमांशु गुरुजी ने हमें पढ़ाया, ऐसा शिक्षा दिया, उस शिक्षा से हमको एक ताकत मिली, उस शिक्षा के आधार लेके हम दिल्ली भी पहुंच गए, आज जेल होने के बावजूद भी उस सच्चाई को आप सबके सामने लिखने की कोशिश की। तो आज इस कलम के अत्याचार से हमें
लड़ा तो आज हम यहाँ तक पहुँच पाए, पर उनके लिए क्या है? वो तो बेचारे हाँ शिक्षित हैं, बोलने में भी नहीं, सिर्फ मार खा सकते हैं, मार खाने के बाद भी कोर्ट में नहीं बता सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये सब क्या है? तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, तो एक एक चीज जेलों में मैंने परखा है, कई चीज ऐसा होता है कि वहां इतनी बीमारी होती है, इलाज नहीं होता है। आपको आप लोगों को तो मैं यही बताना चाहूंगी और कितनी स्थिति खराब है। और कई मैं रायपुर में रही, रायपुर में वो क्या इतनी महिलाओं को मार के गुना खाना में डाल देते हैं, तब मैंने बोला ऐसे मारपीट क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से कई चीजों में हमने रायपुर में भी देखा, एक छोटी सी मतलब एक बच्ची थी, उसकी माँ बहुत जोर से लोग मार रहे, मार के उस गुना खाना में डाल दिया, उसका सर पट गया। तो बोलती आंटी आंटी मेरी मम्मी को बचा लो, तो उसकी माँ मेरे को जब जा मैं कुछ बोलूँ कि मैडम उसे लड़ो तो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं दीदी आपका तो नक्सली केस है, अगर आप हमारे लिए मदद करोगे तो आपके केस में हमको भी बोलेगा, आप कुछ नहीं करो। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं कोई पेशी में गई, मैंने स्टेटमेंट दे दी उस महिला के बारे में भी वो कर, तो वहाँ उसके बाद वो सब पेपर में भी आया है। तो पेपर में आने के बाद क्या हुआ, जब उस महिला को भी बुलाया, मुझे भी बुला, उस महिला से बोल के दस्तक करवा लिया कि नहीं मतलब मैं तो वैसे मेरी बच्ची ने कुछ गलती किया था, मैं मारपीट कर रही थी इसलिए मैडम ने मुझे मार के ऐसे वो कर दी, ऐसा करवा लिखा दस्तक कर दी, और मेरे को बोल देख हम क्या कर सकते, तू किसका पक्ष लेगी किसका साथ देगी, तू कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक हमारे लोगों को इस तरह से गुमराह किया जाता है। तो आप सबसे आप लोग से कई चीजें जाननी है, आखिर मेरा कसूर क्या था, मेरी क्या ऐसे थी कि मुझे छत्तीसगढ़ सरकार आज इस लेवल में पहुंचाया, मेरा क्या गुनाह है, मैंने क्या ऐसी गलती किया, किसी फर्जी केस बना के आज कोर्ट में से 5 केस में मैं बरी हो गई हूँ, अगर आज मैं सही स्तर से आज मैं पढ़ी लिखी थी। इसलिए मेरा मानना है कि शिक्षा होना बहुत जरूरी है, शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है।